हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल के अवतार के मिशन में आज हर तरफ कोहराम मचा हुआ है, लेकिन आज हर कोई इस आस में बैठा हुआ है कि एक न एक दिन कल के अवतार का मिशन जब कंप्लीट होगा तब सुख और शांति का नया सवेरा लोगों के जीवन में न सिर्फ प्रवेश करेगा बल्कि पूरी प्रकृति में खुशियों भरा वो माहौल जिसके लिए आज लोग तरस रहे हैं। आज खुशी, सुख, चैन लोगों के लिए एक सपने जैसा प्रतीत हो रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में कलयुग का अंधकार किस प्रकार और कितने लंबे समय तक चलेगा। हर कोई विष्णु भगवान के आखिरी अवतार, आखिरी रूप में आए हुए मानव अवतार यानी कल्कि अवतार की तरफ टकटकी लगाकर न सिर्फ देख रहा है बल्कि अपने मन में वो आस की दीपक जलाकर रखा हुआ है ताकि कभी न कभी कल्कि अवतार इस अंधेरे को खत्म करके फिर से सुख और चैन का, शांति का, चिर स्थायी शांति का नया सवेरा धरती पर लाएंगे। आज प्रकृति में तांडव देखने को मिल रहा है। प्राकृतिक आपदाएं लगातार धरती पर दस्तक दे रही हैं। एक तरफ जहां ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है, वहीं अब मानसून के मौसम में पहाड़ों का दरकना, लैंडस्लाइड्स और ज़मीन पर इतनी ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही हैं कि समुद्र के अंदर लगता है पूरी धरती ही समा गई है, पूरी पृथ्वी ही समुद्र के अंदर चली गई है। हर तरफ जल का प्रकोप, हर तरफ प्रकृति ने तांडव ऐसा मचाया है कि लगता ही नहीं कि ये स्ट्रगल टाइम आज जो लोगों के जीवन में चल रहा है वो कभी ना कभी खत्म होगा। लेकिन हमेशा से ही ये ब्रह्मांड का नियम है कि जब जब युग परिवर्तन होता है तो युग परिवर्तन होने के समय और नए युग आने के पहले कुछ ऐसी भयानक परिस्थितियां, घटनाएं धरती पर घटित होती हैं जिनसे मुकाबला करना इंसान के वश में नहीं होता। और ऐसी ही कठिन परिस्थितियों को और भयानक घटनाओं से दो चार होने के लिए ही विष्णु भगवान अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हर बार आते हैं एक नए रूप में ताकि पृथ्वी वासियों के मन में एक विश्वास, एक संतोष ऐसा रहे कि उन्हें भी लगे कि उनकी कोई रक्षा करने वाला है। वरना आज तो पुलिस, जिसके हाथों में कानून है, जिसके हाथों में रक्षा करने का भार है, जनता की रक्षा का भार जिसे दिया गया है, आज वही पुलिस मौन दर्शक बनकर अन्याय होते हुए अपने सामने देख रही होती है। यानी आज के युग में हर कोई अंडर प्रेशर है, चाहे वो प्रेशर अपने ऊपर के अधिकारियों का हो, चाहे वो प्रेशर प्राकृतिक आपदाओं का हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज हर इंसान अपने आप को लाचार और मजबूर पा रहा है। चाहे वो पद प्रतिष्ठा पर बैठने वाला एक मंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन उसके सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि लाख चाहकर भी उन परिस्थितियों से मुकाबला करना उसके वश में नहीं होता। कहीं ना कहीं उसे अपने जीवन में फेलियर का मुंह देखना पड़ता है और जिस प्रकार उसे कुर्सी मिल जाती है उसी प्रकार वही जनता जो कुर्सी पर बिठाती है जब परिस्थितियां विकट होती हैं तो कुर्सी भी उससे छीन ली जाती है। तो आज राजा हो या नौकर, एक मालिक हो या सेवक, लेकिन हर किसी के जीवन में आज कुछ कठिन परिस्थितियां हैं। आज पूरे संसार में जो कोलाहल मचा हुआ है, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को लेकर हो, युद्ध को लेकर हो, या आने वाले युद्ध के बारे में जानकर हो, या फिर आने वाला समय कितना कठिनतम है
लोगों के जीवन के लिए कितना कठिनाई भरा हो इसके बारे में भी जानकर लोग आज डर रहे हैं। हालांकि एक वर्ग ऐसा है जो इन चीज़ों की परवाह न करते हुए अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आज भी लगा हुआ है। तो पीस आफ्टर स्ट्रगल, भगवान श्री कृष्ण ने वैसे भी हर एक को मैसेज दिया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल दाता जो है वो कल के अवतार हैं। तो जिसके जैसे कर्म उसके साथ वैसी ही जस्टिस होगी। आज तक जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है, लेकिन लोग आज भी आस को जगाए हुए हैं अपने मन में, आज निराश नहीं है। एक ना एक दिन आप देखेंगे इसी पृथ्वी पर जब कल्कि अवतार का न्याय का डंडा चलेगा, तो ऐसे अपराधी और ऐसे मुजरिम जो आज कहीं पर छिप कर बैठे हुए हैं अपने आप सामने आएंगे, और यदि अपने आप सामने ना आए तो उन्हें कॉलर से पकड़कर सामने पब्लिक के सामने लाया जाएगा। और फिर वो इंसाफ होगा, जब प्रकृति इंसाफ करती है तो अपने तौर पर करती है, जब अवतार इंसाफ करते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते, जो उन्हें सही लगता है वही होता है। सामने वाला इंसान लाख दुहाई देता रहे, क्योंकि हम पिछली बातों को भूल चुके होते हैं, लेकिन अवतार के पास चूंकि हर जन्म का लेखा जोखा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग वो करेंगे सभी के साथ इंसाफ। तो स्ट्रगल, संघर्ष आज सभी के जीवन में है, लेकिन इसी संघर्ष की अग्नि में जो जलकर निखर जाए वही जाएगा सतयुग की ओर। जिसके कर्म सही होंगे, जिसके अंदर सही तौर पर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, और जो आत्म मंथन के बाद आत्म चेतना करके स्वयं के आत्मा से जुड़ जाएगा, जो नेक कर्म करेगा सही राह पकड़ेगा, धर्म के रास्ते पर चलेगा, ढोंग और पाखंड से अपने जीवन को दूर रखेगा, उसी के जीवन में आज जो युग चल रहा है उसके बाद जब युग परिवर्तन होगा और जब भयानक तूफान थमेगा, तो सभी के जीवन में जो जो बातें मैंने बताई उन बातों को यदि फॉलो करेगा तो एक ऐसी असीम शांति को महसूस करेगा, जो लगता है जब देवी देवतागण इस पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी डिवाइन टीम के साथ प्योर सोल्स के जीवन में भी वही डिवाइन पीस कायम करते हैं, जिसके आगे उन्हें न पैसा रुपया अच्छा लगता है ना कोई पद प्रतिष्ठा, क्योंकि शांति और सुख अनमोल है, उसका कोई मोल लगाया नहीं जा सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।